Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप? मैं हूँ किरण हान और ऑफकोर्स मैं और किरण स्टेडियम में मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद PSL का जबरदस्त टाकरा शुरू होने वाला है। अच्छा मैच आज होने वाला है और दोनों ही वो टीमें हैं जो PSL में प्ले ऑफ के लिए फाइनल प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन अब उनके बीच में जो टाकरा है आज का कि कौन सी टीम पहले नंबर पे होगी कौन से दूसरे पे, क्योंकि लाहौर कलंदर इस वक्त पॉइंट टेबल पर टॉप पे है और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है सेकंड नंबर पे। आज का मैच डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम पहले नंबर पर जाएगी और कौन सी टीम दूसरे पे। आज का मैच की तो बाद में बात करेंगे, पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर स्टेडियम की रौनकें कितनी जबरदस्त हैं, प्लेयर्स अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाहौर कलंदर और अगर स्टेडियम में लोग कम है, लोग ये ना कहेंगे हम खाली स्टेडियम दिखा रहे हैं, लोग ऐसा ऐसा आते हैं, जैसे ही टॉस हो जाता है उसके बाद जो हमें स्टेडियम की रौनकें फुली बहाल हो जाती है और आज का मैच भी जो है वो बहुत अच्छा मैच होगा और पिंडी में इस बार सबसे ज्यादा मैचेस खेले गए हैं और शायकीन भी पूरी तरह अमर जी स्टेडियम फुल होता है, कोई ऐसा मैच नहीं हुआ जिसमें स्टेडियम शायकीन ना हुआ है। कुछ दिनों में जो है दो दो मैचेस भी हो रहे हैं, जैसे कि कल की अगर हम बात करते हैं तो वुमेन डे के ऊपर जो है वुमेन्स कन्माइशी मैच भी खेला गया जो कि इस सुपर लीग का मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पॉइंट था और हमने और हमारी होम टीम भी है तो मैं दोनों में आज अच्छा आज के मैच में किसको करना चाहिए। अच्छा वैसे PSL हो किरण IPL देखती हूँ। हाँ मैं देखती हूँ। PSL हो या IPL हो हमें बड़ा अच्छा लगता है यार, ये स्पोर्ट्स की रौनकें हैं जो हमारे मुल्क में हो या किसी और मुल्क में करती हैं वो जो है वो बड़ा अच्छा देखने को मिलता है और सभी जिस भी मुल्क में जो जो भी लीग होने जा रही हो तो उस मुल्क की रौनकें बहाल हो जाती हैं। तो मैं बिल्कुल हिंदुस्तान की बात कर रही थी, IPL जब वहाँ होते तो वहाँ पर भी रौनकें बहाल होती हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान की रौनकें भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, कलर्स नजर आ रहे हैं। वैसे भी प्ले ऑफ का फाइनल मरहला चल रहा है तो इसमें बहुत सारी टीम डिसाइडेड हो गई, चार कौन सी फाइनल प्ले ऑफ में जा रही है, इस्लामाबाद लाहौर तो जा चुकी है, तीसरी जो है मुल्तान भी किसी हद तक हमें क्वालिफाई करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन एक टीम पेशावर या कोयटा में से कौन सी होती है उसका डिपेंड करता है रन रेट पे कि कोयटा जो है इस वक्त रन रेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो कम जो है वो माइनस में है और पेशावर जमी का थोड़ा सा बेहतर है, तो अब उनके दो तो मैचेस रहते हैं, कोयटा का एक रहता है, अगर कोयटा अपना अच्छे मार्जिन से जीतती है और मुल्तान और जो पेशावर है वो अपने मैचेस अगर पेशावर हारता है तो फिर उससे डिसाइड हो जाएगा कि एक कौन सी टीम जो है वो हमें प्ले ऑफ के लिए जो है क्वालिफाई करते हुए दिखाई देगी। और हमने एंजॉय भी किया और सबसे अच्छी खुशखबरी मैं ये भी दे दूं कि सितंबर में वुमेन की PSL टीम भी यहां पर खेलेगी और बड़ा मजा आएगा, जैसे कि कल भी हमने बड़ा एंजॉय किया और जो हमारी वीडियो बना रहे हैं उन्होंने उनको एक मक्खी ने छुआ था तो वो एकदम से चौंक गए थे, थोड़ा जर्क जरूर आया होगा, लेकिन स्टेडियम की रौनकें बताऊं तो इन्क्लोजर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, रंग बिरंग कलरफुल सी कुर्सियां हैं, डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं, बहार वैसे भी आने वाली है तो बहार के साथ इसको एक टच छोटा सा दिया गया है। आगे भी दो जो है माशी मैच एक 10 को और एक 11 को खेला जाएगा वीमेंस का, तो ये खवातीन जो हमारी स्पोर्ट्स की है उनके लिए बहुत अच्छा है, आने वाले यंगस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है कि वो किसी तरह से अपने आप को जो है स्पोर्ट्स में ला सकते हैं, इनकरेजमेंट। और कल जैसे हमारी जो वुमेन टीम की वुमेन कैप्टन है निदार डार वो भी यही कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि वुमेन आए उनको मौका हम देंगे, तो क्यों ना सबको मौका मिलना चाहिए और जिस जिसमें जो जो सलाहियत है खासतौर पर स्पोर्ट्स के हवाले से तो वो अपना आगे ले। स्पोर्ट्स में वीमेंस को बहुत कम चांसेस मिलते हैं, जब दीगर रखनी है खुद आना लोग क्योंकि नहीं आते ना जी, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कि चले थोड़ा सा खुशगवार माहौल है, मौसम अच्छा है, 7 बजे मैच शुरू होगा तो टॉस होने वाला है और किरण कौन जीतेगा आज? मैं तो वैसे अब मेरी दोनों टीम्स अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट में हमेशा से मैं लाहौर को सपोर्ट करती आई हूं और इस्लामाबाद हमारा होम ग्राउंड है और हमारी होम टीम भी है तो मैं दोनों में ही आज कंफ्यूज। अच्छा आज के मैच में मुझे किसको करना चाहिए? अच्छा वैसे PSL हो किरण IPL देखती हूँ। हाँ मैं देखती हूँ। PSL हो या IPL हो हमें बड़ा अच्छा लगता है यार, ये स्पोर्ट्स की रौनकें हैं जो हमारे मुल्क में हो या किसी और को बहाल करती हैं वो जो है वो बड़ा अच्छा देखने को मिलता है और सभी जिस भी मुल्क में जो जो भी लीग होने जा रही हो तो उस मुल्क की रौनकें बहाल हो जाती हैं, तो मैं बिल्कुल हिंदुस्तान की बात कर रही थी, IPL जब वहाँ होते तो वहाँ पर भी रौनकें बहाल होती, तो इस वक्त पाकिस्तान की रौनकें भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, कलर्स नजर आ रहे हैं। वैसे भी प्ले ऑफ का फाइनल मरहला चल रहा है तो इसमें बहुत सारी टीम डिसाइडेड हो गई, चार कौन सी फाइनल प्ले ऑफ में जा रही है, इस्लामाबाद लाहौर तो जा चुकी है, तीसरी जो है मुल्तान भी किसी हद तक हमें क्वालिफाई करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन एक टीम पेशावर या कोयटा में से कौन सी होती है उसका डिपेंड करता है रन रेट पे कि कोयटा जो है इस वक्त रन रेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो कम जो है वो माइनस में है और पेशावर जमी का थोड़ा सा बेहतर है, तो अब उनके दो तो मैचेस रहते हैं, कोयटा का एक रहता है, अगर कोयटा अपना अच्छे मार्जिन से जीतती है और मुल्तान और जो पेशावर है वो अपने मैचेस अगर पेशावर हारता है तो फिर उससे डिसाइड हो जाएगा कि एक कौन सी टीम जो है वो हमें प्ले ऑफ के लिए
जो है क्वालिफाई करते हुए दिखाई देंगे। सारे निश्तर बाबर आजम पे आकर वजह क्या है? देखिए बात है, सिर्फ और सिर्फ हेटर्स ही काम कर सकते हैं। देखिए बाबर आजम ने अपना काम पूरा किया है, सेंचुरी स्कोर की, T20 में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ चले। अब बॉलिंग का काम बनता था कि बॉलिंग उस अच्छे टारगेट को जो सेट किया हुआ था उसको डिफेंड कर दे। अगर वो 200 को टारगेट जो है वो भी डिफेंड नहीं कर सकते, तो जहाँ पे 300 भी होता तो वो भी डिफेंड ना कर सकते। मेरे ख्याल में जो कल बॉलर्स की नाकामी थी, बैटर्स ने अपना किरदार पूरा किया। तनकीद बाबर आजम पे क्यों होती है भाई? वो हिटर्स वो हर हाल में करेंगे, चाहे बाबर 100 करे, 200 करे, 300 भी कर देगा। किस किस्म के लोग हैं भाई, क्या चाहते हैं? वो बस समझ लें कि क्या चाहते हैं। नहीं बता देना क्या चाहते हैं। वो अजीब लोग हैं बहुत। सो मच व्यूअर्स, आपने हमें सुना, बर्दाश्त किया। आइंदा के लिए भी आपके साथ मुझे अपडेट्स भी लाते रहेंगे, जहाँ से वीडियोस भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।